दिनचर्या दुरुस्त रहेगी तो नहीं होगी कोई बीमारी। जाने कैसा हो आपका रूटीन। आयुर्वेद में सुबह उठने से लेकर रात तक व रात्रि काल के लिए भी स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियम या अनुशासन बताए गए हैं। इन्हें दिनचर्या कहा गया है। यह व्यवस्था स्वस्थ रहने और शरीर में वात पित्त कफ इन तीनों दोषों को संतुलित करने के लिए की गई है। शुरू में इन नियमों का पालन करने में कुछ कठिनाई हो सकती है, किंतु थोड़े दिनों के प्रयास से इसे एक प्राकृतिक जीवन का आसान हिस्सा बनाया जा सकता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागे स्वस्थ एवं निरोग जीवन के लिए सुबह सूर्योदय से 2 घंटे पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार इस समय उठने पर वायुकाल होने के कारण श्वसन अंग व मन शुद्ध होंगे। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पिएं, इससे पाचन अंगों की शुद्धि होगी। फिर सादे पानी से अपना चेहरा धोएं, अपने मुंह में पानी भरकर रोक लें व अपनी आँखों पर सादे पानी के छींटे मारें। अब मुंह का पानी फेंक दें। दोनों हाथों की हथेली से बंद आँखों को सहलाएं, इससे पित्त का सिर की तरफ संतुलन बढ़ेगा। फिर ब्रश करें, जिह्वा साफ करें, गुनगुने पानी के गरारे करें। कुछ देर योग है जरूरी। अब कुछ देर योग प्राणायाम का अभ्यास करें। रोजाना 1 घंटा योग अभ्यास करना चाहिए। सैर करें, टहलें, फिर पूरे शरीर पर सरसों या अश्वगंधा के तेल की हल्की मालिश करें। गर्मी में नारियल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हर्बल साबुन से स्नान करें। इसके लिए नीम, तुलसी, मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा साबुन का प्रयोग करें। स्नान के बाद कुछ देर शांत स्थान पर बैठकर ध्यान करें, ओम का ध्यान करें। नाश्ते से दिन की शुरुआत पौष्टिक नाश्ता करके ही घर से निकलें। कार्यस्थल पर सहज रहें। कार्यस्थल या ऑफिस में मन लगाकर कार्य करें, किंतु यदि काम कुर्सी पर बैठने का हो तो कमर व गर्दन सीधी करके बैठें। कंप्यूटर, लैपटॉप आदि से उचित दूरी रखें। काम करते करते बीच बीच में 2 से 5 मिनट रिलैक्स कर लेंगे तो शरीर और मन हल्का हो जाएगा। इसके लिए आंखें बंद कर अपने श्वास पर ध्यान लगाएं और मन में ओम का ध्यान करें। फिर 8 से 10 बार लंबा गहरा श्वास लेकर छोड़ें। कार्यस्थल पर सद्भावपूर्ण सहयोगी एवं सकारात्मक वातावरण बनाएं तथा तनाव की स्थिति से बचें। कार्य समय पर करें व संतुष्ट रहें। दोपहर का खाना 12 बजे से 2 बजे के बीच हो जाना चाहिए, क्योंकि 12 बजे से 1 बजे के बीच पित्तकाल अपने चरम पर होता है। इस समय हमारे शरीर के सभी अंगों में पित्त रूप सक्रिय होते हैं। पित्त ही पाचन क्रिया के लिए उत्तरदायी एवं महत्वपूर्ण है, इसलिए इस समय का ध्यान रखें। आयुर्वेद के अनुसार दोपहर का भोजन ही पूरे दिन का मुख्य आहार होना चाहिए। खाने के कुछ मिनट बाद हल्का टहल लेने से पाचन क्रिया में मदद मिलेगी। खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं। 1/2 घंटे बाद गुनगुना पानी घूंच घूंच करके पिएं। शाम को क्या खाएं क्या नहीं, शाम को सब्जी का रूप लें, जिसमें लौकी, पेठा, खीरा, पालक, गाजर आदि को शामिल कर सकते हैं। गाजर, टमाटर और चुकंदर का मिक्स रूप भी ले सकते हैं। फलाहार भी किया जा सकता है और ग्रीन टी भी पी सकते हैं। 1 गिलास गेहूं के ज्वारे का रूप पीना बहुत अच्छा होता है। इससे शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है और शरीर में मौजूद रोग धीरे धीरे खत्म होते हैं। ऑफिस से घर पहुंचकर 5 मिनट रिलैक्स करें, फिर हाथ पैर मुंह धो लें। अधिक थकान महसूस हो तो सिर पर बादाम तेल की मालिश कर लें। कुछ देर घर के लोगों से बातें करें, कुछ हल्का खेल खेलें ताकि थकान दूर भाग जाए। रात का खाना, वैसे तो रात का खाना सूर्यास्त से पूर्व होना चाहिए, किंतु सोने से 2 से 3 घंटे पूर्व तो अवश्य ही हो जाना चाहिए। जिस तरह हम पूरे दिन काम करते हैं और रात को सोकर आराम करते हैं, उसी तरह हमारे पाचन अंग 24 घंटे काम करते रहते हैं। इसलिए रात का खाना हल्का व सुपाच्य होना चाहिए, ताकि पाचन अंगों को अधिक श्रम न करना पड़े और हमारी नींद व स्वास्थ्य अच्छा रहे। रात के खाने में तली हुई चीजें, ठंडी चीजें, मिठाई व दूध से बनी चीजें शामिल न करें। सलाद, उबली सब्जी, सूप, फल, दलिया या पतली खिचड़ी रात के लिए बेहतर है। आज की जीवन शैली में भी 10:30 बजे तक अवश्य सो जाना चाहिए। रात को 10 बजे के बाद फिर पित्तकाल शुरू हो जाता है, जिसमें भूख लगेगी और फिर खाना पड़ेगा, जो ठीक नहीं है। त्रिदोषों का विभाजन आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ दोषों को 2 चक्रों में विभाजित किया गया है। प्रथम चक्र अनुसार त्रिदोषों का विभाजन सुबह 6 से 10 बजे तक 4 घंटे को कठकाल कहा जाता है। इस समय गर्म पानी, शहद वाला पानी, त्रिफला आदि लेना चाहिए ताकि कफ सहज रहे, कफ विकार ना हो। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक के 4 घंटे के समय को पित्तकाल कहा जाता है। इस काल में पाचन तंत्र सक्रिय रहता है। भोजन खासकर लंच समय पर करें। दोपहर 2 बजे से सांय 6 बजे तक के 4 घंटे को वायुकाल कहा जाता है।
वायुजनित पदार्थों का सेवन न करें। शाम 4 से 6 के बीच नारियल पानी लें, फलाहार करें। दूसरे चक्र में त्रिदोष का विभाजन सांय 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के 4 घंटे को कपकाल कहा गया है। इस समय दही, मूली, ठंडे पेय आदि का सेवन न करें। रात्रि 10 से मध्य रात्रि 2 बजे तक के 4 घंटे के समय को पित्तकाल कहा जाता है। इस काल के शुरू होने से पहले सो जाएं। इस दौरान खाना खाने से बचें। मध्य रात्रि 2 बजे से सुबह 6 बजे तक के 4 घंटे के समय को वायुकाल कहा जाता है। सुबह 4 से 6 के बीच शुद्ध वायु लें।